सिंगरौली में बालिका सशक्तिकरण अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी बालिकाओं ने साप्ताहिक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीखे गए कला कौशल से मंत्रमुग्ध कर दिया। बालिकाओं द्वारा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं, देशभक्ति विषयों पर विभिन्न नृत्य गीत एवं नाटक पर प्रस्तुति भी दी गई। सिंगरौली NTPC शक्तिनगर में बालिका सशक्तिकरण अभियान का समापन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान वनिता समाज अध्यक्ष जयिता गोस्वामी, कल्याण प्रभारी नीलकमल भोगल सहित वनिता समाज के सदस्यगण और ग्रामीण उपस्थित रहे। जयिता गोस्वामी ने कहा कि बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022-23 पुनश्चर्य कार्यशाला के तहत विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बालिकाओं के ज्ञान कौशल और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए साप्ताहिक आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसके तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पेंटिंग, स्केचिंग, कला कौशल, सॉफ्ट स्किल, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि प्रदान किए गए। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को बालिकाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। NTPC सिंगरौली 2018-19 में पहले बालिका सशक्तिकरण शुरू किया था, बीच में कोविड के लिए ये बंद था। इस साल फिर से मई 2022 में हमने फिर से शुरू किया ये प्रोग्राम, जिसमें कि 120 बच्चों को लाया गया और ये आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।